चढ़दी कला। फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हुण तक दी खास खबरां ते। उत्तरी थाईलैंड गोलीबारी की आवाज़ नाल दहल उठिया। एक सबका पुलिस मुलाजम ने चिल्ड्रन डे केयर सेंटर विच फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में तकरीबन 34 लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई है, जिस विच 22 बच्चे शामिल ने। यह जानकारी पुलिस के बुलारे ने दी है। पुलिस बुलारे ने भी कहा कि 34 लोगों का बेरहमी नाल कतल करने वाले व्यक्ति ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। एक पुलिस मुलाजम ने दसा कि बंदूकधारी को पिछले साल पुलिस बल विचों छुट्टी दी गई सी। इस दे नाल ही जिला अधिकारी ने दसा कि उस व्यक्ति ने पहला 8 महीने की गर्भवती अध्यापक समेत 4-5 मुलाजमान नूं गोली मार दिती। उन्हें कहा कि पहला लोगों नूं लगा कि आतिशबाजी है, पर बाद विच घटना गोलीबारी की सामने आई। अमरीका के कैलीफोर्निया के एक बाग विच अगवा किए गए सिख परिवार के 4 मैंबरां दीआं लाशां मिलियां ने। उत्थे ही इस पंजाबी परिवार को अगवा करने वाले की एक वीडियो सामने आई है। ये वीडियो मरसड काउंटी शेरिफ के दफ्तर वालों साझी की गई है। वीडियो विच पहला जसदीप कौर अते सहजदीप बिल्डिंग तो बाहर निकलते नजर आ रहे हैं अते उनके हाथ बन्ने हुए ने। इस तो बाद अगवाकार जसलीन अते 8 महीने की बच्ची नूं बाहर लिआउंदा नजर आ रहा है। शकी दोषी नूं मंगलवार नूं दोपहर हिरासत विच लै लिया गया सी। उसने खुदकुशी करन दी भी कोशिश की सी अते हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। शेरिफ के दफ्तर अनुसार शकी के परिवार ने अधिकारी नूं दस्सिया कि सालगाडो ने सिख परिवार नूं अगवा करन दी गल उन्होंने सामने कबूल की सी। दस दिए कि मूल रूप तो पंजाब के हुशियारपुर के हालसी पिंड के रहने वाले इस परिवार को अगवा किया गया। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि 8 महीने की अरूही उसकी माँ जसलीन कौर, पिता जसदीप सिंह, जसदीप के भरा अमनदीप सिंह दी लाशा एक बाग विचों बुधवार शाम को बरामद की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना उत्ते दुख का इजहार किया। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया, जिस विच उन्होंने लिखा कि कैलीफोर्निया में अगवा करके 4 भारतीयों के कतल की खबर मिली है, जिस विच 8 महीने की बच्ची का भी कतल किया गया। इस खबर नाल दिल काफ़ी दुखी होया ते पीड़ित परिवार नाल दुख साझा करते हैं। नाल ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नूं अपील की कि मामले की उच्च पदरी जांच होवे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के नौजवानों नूं वड्डा तोहफा देंदिया पुलिस विभाग में 2500 के करीब असामियां भरन की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। इस बारे विस्तार विच जानकारी देंदिया मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सूबे के नौजवानों नूं रोजगार मुहैया करवाउण दी चल रही प्रक्रिया तहत आम आदमी सरकार पंजाब पुलिस विच 2500 के करीब होर पुलिस मुलाजमान की भर्ती करेगी, तां जो अमन कानून की स्थिति नूं प्रभावी ढंग नाल कायम रखण दे नाल नाल भविखी चुनौती नाल जिठण लई मनुखी शक्ति विच वाधा किया जा सके। उन्हें यह भी दस्सिया कि इन्हां असामियां विच इंटैलीजेंस अते इनवैसटीगेशन काडर विच कॉन्सटेबलां दीआं 1156, इनवैसटीगेशन काडर विच हैड कॉन्सटेबल दीआं 787 अते इनवैसटीगेशन इंटैलीजेंस जिला अते आर्मड पुलिस काडर विच सब इंस्पैक्टर दीआं 560 असामियां शामिल ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दस्सिया कि कॉन्सटेबलों की भर्ती लई प्रीख्या 14 अक्टूबर 2022 नूं होवेगी, जदों कि हैड कॉन्सटेबलों की प्रीख्या 15 अक्टूबर 2022 नूं होवेगी अते सब इंस्पैक्टर की असामी लई 16 अक्टूबर 2022 नूं प्रीख्या होवेगी। इंटैलीजेंस ब्यूरो पंजाब ने सहायक इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस AIG आशीष कपूर PPS जो कि हुण कमांडेंट 4th IRB पठानकोट के अहुदे उत्ते तैनात है, नूं वख-वख चैकां राहीं 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लैण दे दोष हेठ गिरफ़्तार किया है। इस मुकदमे में DSP इंटैलीजेंस पवन कुमार अते ASI हरजिंदर सिंह नूं भी मुलजम वजो नामजद किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस्सिया कि इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो ने उपरोक्त 3 मुलजमान खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून तहत केस दर्ज किया है अते इस मामले की अगली जांच जारी है। वधेरे जानकारी दिंदे हुए उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा की महिला की शिकायत के आधार उत्ते कार्रवाई की गई है। उन्हें कहा कि महिला नूं मुकदमे तो बाहर कढ़वाउण लई उसके साथियों नाल मिल के 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई सी। राजेंद्रा हस्पताल पटियाला तो इलाज करवाउण गए कैदी अमरीक सिंह दे फरार होने के मामले में पंजाब राज दे जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों सख्त कार्रवाई करने के हुक्म अनुसार अज डिप्टी सुपरडेंट सुरक्षा पटियाला जेल, वारंट अफसर पटियाला ते 2 वार्डर नूं मुअत्तल कर दिता गया। इस संबंधी जारी हुक्म अनुसार जेल सुरक्षा लई तैनात DSP सुरक्षा वरुण शर्मा, पटियाला जेल दे असिस्टेंट सुपरडेंट काम वारंट अफसर हरबंस सिंह, जेल वार्डर सतपाल सिंह अते मनदीप सिंह नूं मुअत्तल किया गया। इस तो इलावा जेल सुपरडेंट पटियाला मनजीत सिंह टिवाणा अते असिस्टेंट जेल सुपरडेंट पटियाला जगजीत सिंह नूं कारण दसो नोटिस जारी किया गया। दस दिए कि पटियाला जिले के घग्गा ब्लॉक के
देजदना पिंड का रहने वाला अमरीक सिंह पटियाला जेल में सजा कट रहा है, जिथों इलाज के बहाने राजेंद्र हस्पताल में इलाज लिए दाखिल करवाया गया। इस कैदी को पटियाला जेल तो राजेंद्र हस्पताल में तब्दील करन दौरान राज सरकार वालों तय किए गए नियमों की उल्लंघना की गई थी। जेल मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत की कि किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब मौके किए जाने वाले समागमों संबंधी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदारां ते अधिकारियों ने अमृतसर नगर निगम के मेयर सिविल और पुलिस अधिकारी नाल बैठक की। श्री अमृतसर शहर के बानी श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब 11 अक्तूबर 2022 को सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जाना है। इस तो पहला 10 अक्तूबर को श्री अकाल तख्त साहब तो हर साल वांग विशाल नगर कीर्तन आयोजन किया जाएगा, जो अमृतसर के पुरातन दरवाजे तो होंदा होया वापस श्री अकाल तख्त साहब विखे संपन्न होगा। प्रकाश पर्व समागमों के प्रबंधों और शहर के मार्गों की लोड़ी साफ सफाई और ट्रैफिक आदि मसलों को लेकर श्रोमणी कमेटी अधिकारियों ने नगर निगम और सिविल अधिकारियों विचार वटांदरे किए। फास्ट न्यूज में अज लिए इन्ना ही, जाते जाते नज़र मारद मौसम के हाल उत्ते। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के, धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।